हेलो गाइस, तो आज हम बातें करेंगे पीओके कोड के बारे में। आखिर ये पीओके कोड क्या होती है? तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग पीओके कोड को मोबाइल शॉप पे जा करके सॉफ्टवेयर से खुलेगी बोल करके वो मोबाइल शॉप पे लेकर के जाते हैं कि पीओके कोड लॉक खुल जाएगी। तो पहली बात तो दोस्तों ये कि पीओके कोड जो है वो मोबाइल की लॉक नहीं है। हाँ जी, ये पीओके कोड यानी कि पुक कोड, पुक कोड 1, पुक कोड 2 ऐसा आता है, PUK1 और PUK2 बोल करके मोबाइल पर आपका पासवर्ड शो करती होगी, आपने अक्सर देखा होगा। तो ये जो पासवर्ड है ये मोबाइल की खुद की पासवर्ड नहीं है, ये आपकी सिम पे होती है। आप एक ध्यान दीजिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो पासवर्ड है पीओके कोड ये आपकी मोबाइल पे नहीं होती, मोबाइल इसको लॉक नहीं करता, ये आपकी सिम ही उसको अपने आप को लॉक करती है। मतलब कि सिम पे आप जब कॉल सेटिंग पे जाते हैं तो कॉल सेटिंग पे देखिएगा, वहाँ पे पीओके लॉक होकर के ऑप्शन होगा, तो उस पीओके लॉक को अगर कोई लॉक कर देता है तो पीओके लॉक वहाँ पे लॉक होता है। तो पीओके लॉक को आप कैसे ओपन कर सकते हैं आज मैं उसी बारे में आपको बताऊंगा। आपको किसी मोबाइल शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसे ओपन कर सकते हैं पीओके लॉक को, ठीक है। पीओके लॉक आपको सेटिंग पे ही मिलेगी, है ना। तो वो सेटिंग पे अक्सर क्या करते हैं, अपन जब उस पर पासवर्ड डालते हैं तो, और पासवर्ड डाल के अगर जब हम भूल जाते हैं तो वो पीओके लॉक मांगना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं आपको मेरी इस वीडियो पे वही चीज़ें बताऊंगा, आप पीओके लॉक को कैसे करके ओपन कर सकते हैं अपने ही घर पे अपने ही मोबाइल के जरिए। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए तो यार पहले आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों, पहले तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ही कर लीजिए। चलिए फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि पीओके लॉक होती क्या है। तो आप ये सिम देखिए पहले, है ना, ये एक सिम है। तो इस सिम के पीछे में आपको नंबर लिखे हुए मिले, किसी में 16, 19 इस तरीके से नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके मोबाइल पे लॉक हो जाती है तो पहली बात तो ये कि उसमें बार बार गलत पासवर्ड ना डालें, वरना वो लॉक हो जाएगी वो हमेशा के लिए। उसके बाद आपको सिम को स्वैप कराना पड़ सकता है, न्यू सिम लेना पड़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, 8 टाइम यानी कि 8 बार 0 आपको अपने सिम पर दबाना है, 8 बार 0 ध्यान से सुनिए, 8 टाइम 0 आपको दबाना है। उसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन पे आपको पूछेगा कि फिर से रीपासवर्ड, तो वहाँ पे 1 2 3 4 दबाना है। नेक्स्ट में फिर एक बार ऑप्शन पूछेगा, वहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 दबाना है। सबसे फर्स्ट पहली बार जब आप दबाओगे 8 टाइम 0 दबाना है, 8 टाइम 0 के बाद आपको 1 2 3 4 दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी पीओके लॉक ओपन हो जाएगी। अगर उसके बाद अगर ओपन होती है सेकेंड पीओके लॉक पे चले जाती है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अपने सिम के लास्ट पे देखिए, यहाँ पे 5 लास्ट नंबर होगा, है ना, 5 नंबर होगा यहाँ पे, 5 से 8 नंबर रहेगा। तो जितने आपके हैं ना उस नंबर को वहाँ पे डालिए, उसके बाद 1 2 3 4 डालिए, ठीक है। इसके बाद अगर ओपन नहीं होती है तो उसके बाद आपको सिंपली दूसरी ट्रिक यूज करना है। अगर आपकी एयरटेल है, बीएसएनएल है, वोडाफोन है, जियो, जो भी सिम है, आपकी पीओके लॉक अगर हुई है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अपने दूसरे नंबर से, अगर एयरटेल सिम है तो एयरटेल सिम के जरिए ही दूसरे नंबर से आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए। कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद आपकी जो सिम लॉक हुई है उसकी पूरी जानकारी उनको दीजिए, ठीक है। उनकी पूरी जानकारी इसका मतलब है कि वो सिम किसके नाम पे है, यानी कि वो आधार कार्ड किसके नाम पे लिया गया था, आईडी कार्ड से लिया गया था, जो भी है, और आपकी पूरी लोकेशन दीजिएगा। और उसका वो आपसे शायद लास्ट रिचार्ज यानी कि लास्ट टाइम आप कितना पैसा डाले थे वो भी पूछ सकते हैं ना। आपको पूरी अपनी सिम की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी मैच हो जाएगी उधर आधार कार्ड से जिसके नाम पे वो सिम है। तो उसके बाद कस्टमर केयर खुद आपको आपकी पीओके कोड वो ऑप्शन बता देगी, है ना। उसके बाद आपको जो वो पासवर्ड बताए रहेंगे वो लोग कस्टमर केयर वाले, उस पासवर्ड को पहले डालना है, उसके बाद फिर से दोबारा 1 2 3 4 1 2 3 4 ही डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पीओके लॉक को ओपन कर सकते हैं, आपको मोबाइल शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पीओके लॉक सिम के जरिए होता है लॉक, मोबाइल की लॉक नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर कुछ भी बॉक्स की यूज नहीं करनी पड़ेगी। पीओके लॉक आप हाथ से खोल सकते हैं, सिर्फ कुछ दिमाग है या फिर नहीं है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कीजिए, वो आपको पासवर्ड आसानी से दे देंगे, है ना। तो मेरी वीडियो बस आज पीओके लॉक के लिए थी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो यार एक लाइक तो बनता है, और अगर पसंद नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे। खुदा हाफिज़।